हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं फोटेक्स ब्लाउज का वीडियो लेके आया हूँ। फोटेक्स ब्लाउज मेरे पास दो तरीका है, एक इजी तरीका है और एक प्रोफेशनल तरीका है। प्रोफेशनल तरीके में आपको डार्ट का कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर आधा इंच लगा दिया, इधर डेढ़ इंच लगा दिया। अंधेरे में तीर नहीं चलाना। जो ब्रेस्ट का जो उभार होता है, मेजरमेंट होता है, बॉडी रिक्वायरमेंट होता है, उसके हिसाब से डार्ट लगता है। तो उसका तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल, 38 बस्ट है, 37 अपर चेस्ट है, कितना डिफरेंट आया 1 इंच का। तो 1 इंच का हाफ करेंगे हम, क्योंकि फ्रंट जब हम कटिंग करते हैं दो पार्ट में फोल्ड होता है, राइट। तो 1 इंच का जो डिफरेंट है इसको दो से डिवाइड करेंगे तो हाफ आएगा। तो ये जो डार्ट लगता है हाफ इंच का लगता है। वेस्ट में बस्ट है 38, वेस्ट है 32, कितना डिफरेंट आया 6। एक एक इंच का, 1 इंच का दो डार्ट बैक में लगता है, 2 इंच माइनस कर दो बैक का, कितना बचा 4। 4 को 2 से डिवाइड करो, के फ्रंट में दो डार्ट लगता है, 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया 2। तो ये डार्ट होता है 2 इंच का, 2 इंच का, राइट। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इससे पहले इस चीज़ की मालूमात नहीं होगी, तो ये चीज़ आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। ये डार्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो ब्रेस्ट का मेजरमेंट होता है, अपर चेस्ट से लेकर लोअर चेस्ट, तो जो ब्रेस्ट की गोलाई होती है अपर चेस्ट से लोअर चेस्ट तक का मेजरमेंट होता है, तो सेंटर फ्रंट का जो मेजरमेंट आएगा इतने ही पार्ट में, सेंटर फ्रंट जो होता है फ्लैट होता है, तो ये मेजरमेंट में से ये मेजरमेंट माइनस करेंगे तो जो डिफरेंट आएगा वो सेंटर फ्रंट डार्ट आएगा हमारा। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये हम मेजरमेंट नहीं करते। नॉर्मली हाफ इंच इनफ होता है, राइट। तो हाफ इंच का डार्ट हम यहाँ पे लेते हैं। सेम मेथड साइड डार्ट, साइड का जो डार्ट आता है, मगर इसमें एक तरीका और है। जब वेस्ट लाइन को हम स्ट्रेट करते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलता है इधर, ये समझो कि ये साइड डार्ट है, इसको इधर अप्लाई करना रहता है। तो इसका तो आइडिया हमको साइड डार्ट का मिल जाता है, कैसे मिलता है वो मैं आपको कटिंग में बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये तो आपको अजीब लग रहा होगा, तो एक्चुअली ये डार्ट मैंने क्रिएट किया हूँ, ये फोटक्स वाला डार्ट नहीं है, ये डार्ट बाद में लगने वाला है। ये डार्ट मैंने क्रिएट किया हूँ शोल्डर कम करने के लिए, क्योंकि ये जो लाइन अभी इधर आ रही है और ये हमारा प्रॉपर शोल्डर का मेजरमेंट है। अगर ये डार्ट को मैं बंद करूँगा ये, तो ये लाइन इधर आने वाली है ऐसे, तो ये हमारा ऑटोमेटिक शोल्डर कम हो जाएगा। तो जो पहले तरीका बताया था वो अलग था, आज मैं आपको डीप नेक का दूसरा तरीका बताने वाला हूँ। ये भी बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। तो आइए शुरू करते हैं कटिंग, फोटक्स ब्लाउज कैसे कटिंग होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे पहले मैंने बताया कि फोटक्स का मेरे पास दो तरीका है, एक प्रोफेशनल तरीका और एक ईजी तरीका। तो आज मैं आपको ईजी तरीका बताऊंगा, प्रोफेशनल तरीका नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि इससे जो बिगनर है, जो नए व्यूअर है, उन लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हम पेपर को सीधा कर लेंगे। मेजरमेंट साइड में दे दिया हूं मैंने, आज फिर मैं 38 साइज ही कटिंग कर रहा हूं। मैं साइज कोई भी कटिंग करो आप, मेथड यही अप्लाई होगा, सब साइज में, सब मेजरमेंट में यही मेथड, यही तरीका आपको अप्लाई करना है। शोल्डर स्लोप का मार्किंग किया, शोल्डर स्लोप का वीडियो देख लेना आप, उसका तरीका क्या है आपको समझ में आ जाएगा। 15 लेंथ है, 15 पे मार्किंग कर लिया, इसको सीधा कर लेंगे। 10 इंच बस्ट का मेजरमेंट है, बस्ट की जो हाइट है उसका प्लेसमेंट है जो 10 इंच पे है, 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। आर्मोल का आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, मैं जो आर्मोल है हमारा 16 है, ये मैंने फिक्स मेजरमेंट लिया हूँ। वैसे अगर कंफर्ट अगर नापेंगे तो 16.5 या 17 आएगा, मगर मैं 16 पे आपको उसका मेथड बता रहा हूँ कि आर्मोल परफेक्ट कैसे कटिंग होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही बताते 5 इंच लेंगे, 5.5 लेंगे, मगर डीप में जहाँ पे आर्मोल का प्लेसमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही हमको प्रॉपर आर्मोल का कटिंग करना है, राइट। अंधेरे में कोई तीर नहीं चलाना, हवाई फायरिंग नहीं करना है, तो प्रॉपर हमारा आर्मोल कितना आना चाहिए उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले शोल्डर का मार्किंग लगाएंगे, 15 शोल्डर है, ये होगा 15, राइट। एक्रॉस फ्रंट का जो मैंने बताया था, अगर एक्रॉस फ्रंट का मेजरमेंट आपको नहीं है तो ये शोल्डर से 1/2 इंच कम, 7.5 है, 7.5, तो 7 पे एक मार्किंग करेंगे, उसको स्ट्रेट कर लेंगे। अगर एक्रॉस फ्रंट का आपके पास मेजरमेंट है तो वो अप्लाई करना है आपको। आर्मोल समझाने के लिए मैं पहले, सबसे पहले इधर मार्किंग करूंगा अपर चेस्ट का, फिर वो उसका तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा आपको।
बस्ट का मेजरमेंट है 38, 38 बस्ट है राइट, प्लस 1 इंच पैड लगने वाला है, वो जो लास्ट टाइम बताया था सेम वही टेक्निक है। डीप नेक को चाहे कोई भी हो, सबसे पहले बेसिक फर्मा कट्टा है प्रॉपर मेजरमेंट पे, जितना शोल्डर है उतना ही रखना है, सब चीज़ सब मेजरमेंट वही अप्लाई करना है आपको। बाद में डीप नेक कैसे करना है, उसका शोल्डर कैसे कम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता है 39। हाफ बैक का तरीका बताया मैंने, हाफ बैक में आपको क्लाइंट का हाथ ऊपर उठा लेना है, तो बगल का जो सेंटर होता है, बगल के सेंटर से आपको इमेजिंग करना है कि साइड का सेंटर कहाँ पे आने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको बस्ट लाइन पे बैक का हाफ बैक का मेजरमेंट लेना है। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका फ्रंट कितना बड़ा होने वाला है, कि ये कॉमन सेंस की बात है, फ्रंट बड़ा होता है बैक छोटी होती है राइट। तो इधर है हमारी हाफ बैक 18, 39 में से 18 माइनस होगा आएगा 21, 21 फ्रंट आएगा 18 बैक आएगा, तो 21 का हाफ होता है 10 एंड हाफ। डीप नेक है इसलिए कोई लूजिंग इसमें ऐड नहीं करने वाले, जो मेजरमेंट है वही अप्लाई करेंगे 10 एंड हाफ। अपर चेस्ट होता है जो बेस्ट से हाफ इंच कम करके अपर चेस्ट का मार्किंग लगता है, तो अपर चेस्ट का हमने अभी मार्किंग नहीं किया, इसका मार्किंग हम इधर लगाएंगे। आर्मोल की लेंथ निकालने के लिए अपर चेस्ट का मार्किंग हम इधर लगाएंगे। फ्रेंड समझ लेना है, अपर चेस्ट का मार्किंग इधर आने वाला है, मगर ये आर्मोल की लेंथ निकालने के लिए इधर लगाएंगे हम। तो ये जो अक्रॉस फ्रंट से अपर चेस्ट तक का डिफरेंट है 3 इंच, 3 इंच में से 3-4 इंच माइनस करना है। अभी ये जो मेजरमेंट आया 2.25 इंच, 2 एंड क्वार्टर, तो 2 एंड क्वार्टर को इधर रखना है ऐसे। आर्मोल हमारा 16, तो 16 का हाफ होता है 8 राइट, तो 8 पे मार्किंग कर लेंगे ये। तो ये हमको आर्मोल की लेंथ मिल गई, तो यहाँ पे एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट 16 आर्मोल आपका आने वाला है। अभी हम अपर चेस्ट का मार्किंग यहाँ पे लगा लेंगे, बस्ट का 10 एंड हाफ है, हाफ इंच कम किया 10। अभी एक मार्किंग हमको सेंटर में करना है इसके, ये फ्रेंच कर्व की मदद से इसको ये पॉइंट से ये पॉइंट मिला देंगे, इधर से शोल्डर का जो मेजरमेंट है वहां मिला देंगे राइट। नेक लाइन पहले भी मैं बता चुका हूँ, कोई भी गला आप रखते हो सबसे पहले बेसिक फर्मा काटना है, नेक लाइन का मार्किंग करना है, शोल्डर स्लोप वहीं से होगा, ब्लाउज की लंबाई नेक लाइन से ही नापना है, इधर भी फर्मे पे पैटर्न पे यहीं से रखना है आपको 15 इंच ठीक है। अभी ये शोल्डर मैं नाप के बताता हूँ आपको, आर्मोल नाप के बताता हूँ, 16 आर्मोल है, हो गया 16 का हाफ 8। ये परफेक्ट तरीका है आर्मोल का फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसको दिमाग में बिठा लेना, ये एकदम परफेक्ट तरीका है। अभी हम ये अपर चेस्ट और बस्ट का जो मार्किंग किया है इसको हम मिला देंगे, 4 इंच का बस्ट पॉइंट है, 4 इंच यहाँ पे 3-4 माइनस करके 3.25 का एक मार्किंग लगा देंगे। और फ्रेंड्स जो कप्स का एरिया है हमारा 7 इंच, ये होता है कप्स, तो ये कप्स है 7 राइट, तो 7 का आप होता है 3.5, तो ये जो कप्स का एरिया है वहां पे एक हम मार्किंग करेंगे। तो इससे क्या है फिटिंग एकदम प्रॉपर आती है। अभी ये मार्किंग कर लेना है राइट। अभी ये हमारा है 3 एंड क्वार्टर, 3.25 इंच, तो 3.25 इंच को इधर रखना है, ऐसे क्रॉस रखना है फ्रेंड्स, इधर से एक डेढ़ इंच ऊपर इधर नीचे की तरफ, तो 32 का 1/4 होता है 8, तो यहाँ पे 8 पे सीधा मार्किंग लगाएंगे। इसको फ्रेंच कर इस तरह से रख के ये पॉइंट से ये पॉइंट मार्किंग कर देना है, इसको नाप लेंगे फ्रेंड्स, ये 5 है 5, तो 5 इधर रख देना है आपको, तो ये 5 हमारा इधर आने वाला है, इसको इधर मिला देंगे हम ये ठीक है। ये जो मेजरमेंट है इसको ऐसे राउंडिंग में नाप के इधर ये डॉट को मिला देना है। अभी ये जो स्केल है इसको ये सीधी लाइन पे रखना है, और ये हमारा 5 इंच का मार्किंग है, इधर एक सीधा मार्किंग कर लेंगे राइट। तो फ्रेंड्स जो साइड का डाट होता है, ये साइड का डाट हमारा इधर निकल गया, ये जो डिफरेंट है 1 इंच का, 1 इंच इधर रखेंगे, तो ये जो गैप आया फ्रेंड्स,
यही हमारा साइड डार्ट है। तो फिलहाल तो हमने साइड डार्ट हमारा इधर जो वेस्ट लाइन को स्ट्रेट किया हमने, तो इसमें साइड डार्ट निकल गया। मगर वो कैसे क्रिएट होगा, जो फोर टक्स का ब्लाउज बना रहे हैं तो साइड डार्ट तो हमको चाहिए, तो डार्ट कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हमने ये डार्ट को निकाल लिया, इधर से अपर चेस्ट वाला डार्ट वो भी निकाल दिया, वो सब डार्ट इधर शिफ्ट हो गया अभी हमारा। तो ये डार्ट को वापस कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये तरीका बहुत ही आसान है। इधर फ्रेंड्स क्वार्टर इंच पे एक नीचे मार्किंग लगाएंगे, इधर एक मार्किंग लगाएंगे क्वार्टर इंच पे, इसको इधर मिला देना है और इसको इधर मिला देना है। इससे ये होगा कि डार्ट हमारा जब बंद होगा तो ये जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन एकदम स्ट्रेट आएगी। और हाँ, वेस्ट लाइन जो होती है वो ब्लाउज की खूबसूरती है। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, उसमें देख लो वेस्ट लाइन एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए। आपको कटिंग के बाद क्या करना है, ये इस तरह से अगर कटिंग करोगे वेस्ट लाइन स्ट्रेट आएगी। फिलहाल अभी फ्रंट का हम कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट हमारा कट हो गया है, इधर एक कट लगा लेंगे फ्रंट। फ्रेंड्स अभी हम बैक कटिंग कर लेंगे पहले, इसके बाद क्या करना है, फोर टक्स ब्लाउज कैसे बनाना है, बहुत ही इजी है, एकदम आसान है। सारे डार्ट मैंने इधर निकाल दिया हो, उसको वापस से उसकी जगह पे हम प्लेसमेंट करेंगे। कैसे वो मैं आपको बैक कटिंग करने के बाद बताता हूँ। और डीप नेक का जो फार्मूला है, दूसरा तरीका है, वो भी बैक कटिंग के बाद बताता हूँ आपको। आप में से कई लोग ने बैक का वीडियो देखा होगा किस तरह से कटती है, अगर आपको मालूम है तो आप इतना वीडियो स्किप कर सकते हो, मगर बैक कटने के बाद का जो वीडियो है उसको स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले हम हाफ बैक का मार्किंग लगाएंगे, 18 हाफ बैक है, 18 का हाफ होता है 9, 9 पे एक स्ट्रेट मार्किंग लगाएंगे हम। ये फ्रंट को इधर रख देना है, ऊपर से थोड़ा छोड़ देना है, फ्रंट को मिला के रख देना है और इसको होल्ड कर देना है, इधर इधर से होल्ड करना है। इसको हम खींच लेंगे, ये ऐसे खींच के इधर लाना है, ये जो 9 इंच का जो हमने हाफ बैक का जो मार्किंग किया है इस पर खींच के लाना है। और ये इधर हम आर्मोर का मार्किंग कर लेंगे, इधर वेस्ट लाइन का मार्किंग कर लेंगे, इधर शोल्डर का कर लेंगे मार्किंग, इधर हाफ इंच ऊपर मार्किंग कर देना है। तो ये इस तरह से इसको खींच लेना है, हाफ इंच ऊपर बढ़ा के मार्किंग लगाना है, इधर शोल्डर का मार्किंग कर लेना है, इधर आर्मोल का कर लेना है, इधर वेस्ट लाइन का कर लेना है, बस इसको हम मिला देंगे। ये हो गया आर्मोल, ये हो गया वेस्ट लाइन, राइट। अभी है अक्रॉस बैक 15 है, एक मार्किंग लगाएंगे 15 पे, हम इसको सीधा कर लेंगे। इसको राउंड कर लेंगे, तो अभी ये हमारा बैक का ड्राफ्टिंग हो चुका है। अभी वेस्ट हमको बैक में कोई डाट का एक्स्ट्रा नहीं लेना है, 32 का होता है, 32 का 1/4 होता है 8 पे मार्किंग लगाएंगे, इसको सीधा कर लेंगे। डीप नेक में आपको इधर डाट का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है, जो प्रॉपर जो वेस्ट का मेजरमेंट है वहीं पे ही मार्किंग कर देना है, राइट। और बैक को स्ट्रेट रखने के लिए यहाँ पे क्वार्टर इंच ऊपर मार्किंग लगाएंगे हम, और ये इसको इधर मिला देंगे इस तरह से, तो इससे बैक हमारी बॉडी पे एकदम स्ट्रेट आएगी। तो फ्रेंड्स तो बैक का हम कटिंग कर लेंगे पहले। अभी जो स्टेप आने वाले इसको ध्यान से देखना पड़ा। सबसे पहले बैक में डीप करेंगे हम 12 इंच, 12 पे एक मार्किंग लगा दिया। फ्रेंड सबसे पहले तो हम इसकी जो आर्मोल की जो शोल्डर की गोलाई होती है इसको हम ठीक कर लेंगे पहले। इसको इस तरह से रख देना है फ्रंट को और बैक को, और ये यहां पे जो वी बन रहा है वी नहीं बनना चाहिए, इधर इसको हल्का सा राउंड कर लेना है इस तरह से, राइट। डीप नेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसको ये राउंड कर लेंगे। ये राउंड अगर हो जाएगा तो इससे आर्मोल की ग्रिप अच्छी बनती है और उसकी गोलाई भी अच्छी आती है। तो इस चीज को रख के आपको इसको अच्छे से राउंड कर लेना है बैक को। फ्रंट ऑलरेडी कंप्लीट राउंड है इसका,
बैक का राउंड आपको ठीक कर लेना इसका, जितना भी कटता है टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल काट देना इसको। अभी ये जो हमारी गोलाई है आर्मोल की एकदम परफेक्ट हो गई है, तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है, भूलना नहीं, राइट। अभी सबसे पहले हमने 12 इंच पे मार्किंग लगाया डीप नेक का, तभी डीप नेक के लिए आपको क्या करना है, शोल्डर कम करना है, 15 शोल्डर है, 15 का हाफ है 7 1/2। अभी ये हमने डीप लिया है इसका 12 इंच डीप करने वाला, राइट। इधर से हम लेंगे 2 इंच आप ढाई भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो 2.5 या 3 इंच रखना, पहले 2.5 या 3 पे ट्राई करना, इसके बाद फिर 2 इंच पे रखना, राइट। ये मार्किंग कर लेंगे, अभी इसको राउंड कर लेंगे हम इस तरह से। अभी हम इधर एक कट लगाएंगे, 3 इंच पे कट लगाएंगे। कट आपको ये जो गला है हमारा नेक है उसके अंदर ही लगाना है, बाहर की साइड में नहीं लगाना है। अभी जो दांत की लंबाई होती है हमारी, जो बस्ट लाइन होती है, ये है बस्ट लाइन, बस्ट लाइन जो आने वाली है 4 इंच पे, 4 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे और ये एक सीधा मार्किंग कर देंगे, ठीक है। ये नेक के अंदर आपको 3 3.5 4 जो भी आता है एक सीधा मार्किंग करना है और जो एक बस्ट लाइन पे मार्किंग करना है। अभी हम यहाँ पे 1.5 इंच शोल्डर कम करेंगे, यानी कि 7.5 है तो 6 इंच कम करने वाले, सॉरी 7.5 है 1.5 इंच कम करने वाले, तो 7.5 में से 7.5 में से 1.5 कम होगा तो आएगा 6, राइट। तो 6 पे हमको एक मार्किंग कर देना है इधर से लेके इधर तक। अभी ये स्केल को इधर रख देना स्ट्रेट इधर, और ये पॉइंट पे आपको जहां पे ये पॉइंट बन रहा है उधर मिला देना है, तो ये हमारा यहाँ पे एक डॉट क्रिएट होगा, ये डॉट। तो अभी ये लाइन इधर जा रही है, जब ये डॉट बंद होगा तो ये लाइन इधर आ जाएगी, तो हमारा शोल्डर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। कैसे, इधर हम एक कट लगाएंगे, एक कट इधर लगाएंगे ये, और ये डॉट को हम बंद कर देंगे ये, तो ये हमारी लाइन हो गई स्ट्रेट, राइट। अब ये बैक हमारी इधर से स्ट्रेट हो गई, शोल्डर 1.5 इंच कम हो गया, तो ये इसको काट के निकाल देंगे हम। ये डॉट को हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये डॉट हमने बंद किया तो ये हमारी लाइन स्ट्रेट हो गई, शोल्डर कम हो गया, शोल्डर हमारा कम हो गया 1.5 इंच, 10 11 12 आपको 1.5 इंच कम करना है, राइट। तो ये 1.5 इंच हमारा शोल्डर कम हो गया, इधर ये डॉट बंद करने से ये लाइन स्ट्रेट हो गई और इधर एक डॉट क्रिएट हो गया। तो जब फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो ये जितना डॉट खुल रहा उतना ही डॉट हमको लगाना है, राइट। तो ये बैक का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी फ्रंट को लेते हैं हम, फ्रंट में क्या करना है, फ्रंट का ये डॉट पहले कट कर लेंगे हम, भी फ्रंट में हम गला 7 इंच रखने वाले हैं, तो एक मार्किंग 7 पे रखेंगे। फ्रंट में हमने 2 इंच रखा था तो इधर भी 2 इंच रखेंगे, सॉरी बैक में 2 इंच रखा था, फ्रंट में भी 2 इंच रखेंगे। इसको राउंड कर लेंगे, ठीक है। अभी 1.5 इंच शोल्डर हम फ्रंट में कम करेंगे, तो वही जो बैक में फार्मूला बताया वही फार्मूला हम इधर फ्रंट में इस्तेमाल करेंगे। 7.5 में से 1.5 इंच जाएगा 6, 6 इंच पे एक मार्किंग करना है। ये जो बस्ट लाइन है, बस्ट का जो स्ट्रेट मार्किंग है इधर से लेके इधर तक, ये पॉइंट तक आपको एक सीधा मार्किंग कर देंगे, राइट। अभी इसको स्ट्रेट लाइन पे रखना है इधर, ये जो मार्किंग किया उधर रखना है,
और ये जो पार्ट है इसको यहाँ पे डार्ट पे लाके मिला देना है, ये इसको ये लाइन पे मिलाना है, इसको इधर ये पॉइंट पे मिलाना है। तो ये हमारा एक डार्ट इधर क्रिएट हुआ। तो ये डार्ट जब हमारा बंद होगा तो ये लाइन कंटिन्यू हो जाएगी, ये कट के निकल जाएगी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये फोटक्स वाला डाट नहीं है, ये शोल्डर कम करने वाला डाट है। तो ये डाट को हम ऐसे बंद कर देंगे, ये तभी ये लाइन हमारी हो गई स्ट्रेट, स्ट्रेट हो गई, ये डेढ़ इंच हमारा निकल गया, तो डेढ़ इंच शोल्डर कम हो गया। इसको हम काट के निकाल देंगे। ठीक है, अभी ये ब्लाउज हमारा फोर टक्स है, हमने सारे डाट इधर शिफ्ट किए, साइड वाला डाट इधर कटिंग में निकल गया। तो अभी हमको फोर टक्स का मार्किंग करना है। इधर हम एक इंच पे मार्किंग करेंगे, आर्मोल के सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे, और एक मार्किंग इधर सेंटर पे करेंगे। ठीक है, इधर ये बस्ट लाइन पे डेढ़ इंच रखना है, इधर भी डेढ़ इंच रखना है। एक दो तीन ये चार, अभी इसको हम कट लगा देंगे। ये डाट हम आधा हाफ इंच का लेंगे, जैसे मैंने बताया था पहले, ये नॉर्मली हाफ इंच का डाट होता है। तो इसको ये जो एक इंच है यहाँ से बस्ट पॉइंट से एक इंच दूरी पे इसको एक मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर फ्रंट डाट हो गया। आर्मोल डाट हमारा आने वाला था हाफ इंच, इसको हाफ इंच कर लेंगे। ये आने वाला था हमारा दो इंच, इसको दो इंच कर देंगे। ठीक है, और ये हाफ इंच हो गया। तो ये हमारा फोर डॉट क्रिएट हो चुका है, एक दो तीन चार। अभी इसको कटिंग कैसे करना है हमको, वो मैं कटिंग करके आपको बता देता हूँ फैब्रिक पे। तो फ्रेंड्स, इसको मैं फैब्रिक पे कटिंग करके बताता हूँ कैसे कटिंग होगा। ये हमारा पैटर्न के अंदर फर्मे में कोई सीम अलाउंस नहीं है, तो सीम अलाउंस हमको इसमें ऐड करना है। राइट, ये दोनों डाट के सेंटर में एक मार्किंग करना है, ये। इसके सेंटर में एक मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, और इधर ये डाट का मार्किंग कर लेंगे। ये डाट हो गया। ठीक है, एक मार्किंग इधर कर लेंगे, एक मार्किंग इधर कर लेंगे, और ये डॉट पॉइंट का मार्किंग कर लेंगे। डॉट पॉइंट एक मार्किंग इधर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से फैब्रिक कटिंग करना है। सेम अलाउंस छोड़ देना है, इधर एक एक डेढ़ इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे फैब्रिक। इधर सीम अलाउंस ले लिया, इधर सीम अलाउंस ले लिया, इधर ले लिया, इधर ले लिया, इधर ये डाट में भी ले लिया। ठीक है, अभी ये डाट हमारा डायरेक्ट सिलाई लगेगी, कटेगा नहीं। एक दो तीन, ये डाट कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट सिलाई लगेगी, सिर्फ ये डाट कटेगा हमारा। जो होगा सेंटर फ्रंट डॉट, जो होगा साइड डॉट, और ये हो गया आर्मोल डॉट।
ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम मार्किंग लगा लेंगे 2 इंच पे। इसमें भी सीम अलाउंस लेना है हमको, तो ये हमारा हो गया फ्रंट। ठीक है फ्रेंड, तो ये फ्रंट हो गया। बैक का कटिंग आपको गला इसका काट लेना है ये, और ये पार्ट को काट लेना है। इसमें सीम अलाउंस ऐड करके दो दो पार्ट निकालना है फैब्रिक से, सीम अलाउंस ऐड करना है। ये मार्जिन रहेगा हमारा, ये सीम अलाउंस रहेगा। ये मैं आपको आइडिया के लिए बता रहा हूं, मैं सिंगल पल्ले पे आपको दो पीस निकालना है इस तरह से। दो पार्ट ऐसे कट करना है, और ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट फोल्ड करके ऐसे निकलेगा, सीम अलाउंस रख देना है। ठीक है, अभी ये जॉइंट हो जाएगा, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ डाउट है, तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।